Hello everyone, I'm Shweta Kapoor from Shweta English Classes. Welcome to my channel. आज का हमारा टॉपिक है सिंपल प्रेजेंट का इंटरोगेटिव सेंटेंस का रूल सीखना, विच इज रूल नंबर 3. फाइन, इससे पहले हमने क्या करा था? सिंपल प्रेजेंट का, पॉजिटिव सेंटेंस का और नेगेटिव सेंटेंस का रूल सीखा था, रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2. और आज हम करेंगे रूल 3. और इस टॉपिक को शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं करा है, और इसका बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो सारी सबके अपडेट मिल जाएँ. फाइन, तो हमारा जो टॉपिक है, जैसे मैंने बताया, सिंपल प्रेजेंट इंटरोगेटिव. इंटरोगेटिव का क्या मतलब होता है? प्रश्नवाचक, जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, हम प्रश्न पूछते हैं, हम उत्तर चाहते हैं. फाइन, हमने आपसे क्वेश्चन पूछा, आपको हमें उत्तर देना है, वो होता है इंटरोगेटिव. इंटरोगेशन कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं. फाइन, तो आज जो हम करेंगे इसका है वो रूल नंबर 3. अब मैं यहां पे रूल लिखती हूं. इसका रूल क्या है? डू और डस प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और हम इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि ये क्वेश्चन मार्क हमें ज़रूर लगाना है, हम यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे. जो इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो क्वेश्चन मार्क ही लगेगा. ये चीज़ का हमें हमेशा ध्यान रखना है जब हम लिख रहे हैं, और बोलते वक्त जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हमारा जो टोन होता है वो वैसा ही होना चाहिए कि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं. ठीक है, इंग्लिश सही है लेकिन टोन सही है सही नहीं है, वो भी सही नहीं है. तो हमें इंग्लिश भी सही बोलनी है और टोन भी सही रखनी है. फाइन, तो अब हम देखेंगे डू और डस प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, विच इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग. फाइन, अब हम देखते हैं कि डू और डस किस किसके साथ लगता है. डू किसके साथ लगता है? आई, वी, यू एंड दे. ठीक है, इट मीन्स कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लोरल, सेकेंड पर्सन सिंगुलर एंड प्लोरल एंड थर्ड पर्सन प्लोरल. फाइन, एंड डस किसके साथ लगता है? अब हमारे पास क्या बचा? ही, शी एंड इट. ठीक है, ये है थर्ड पर्सन सिंगुलर, ना मेरी ना आपकी, किसी और की जो सिंगल है, सिंगुलर. थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं? डस. डू लगाते हैं आई, वी, यू, दे, मैं, आप, वो, वे, और ही, शी, इट के साथ डस लगाएंगे. फाइन, तो अब इसका रूल क्या है? डू और डस प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. तो हम इसके सेंटेंस जो एग्जांपल के साथ इसको लर्न करते हैं. जैसे हमने बोला, क्या वे गाना गाती है? क्या वे गाना गाती है? इसका हम क्या होगा? डस शी सिंग अ सॉन्ग? राइट. अब इसमें क्या है? ना मेरी बात हो रही है, ना आपकी बात हो रही है. किसकी बात हो रही है? किसी और लड़की की. फाइन, तो हम क्या लिखेंगे इसमें? डस शी सिंग अ सॉन्ग. अब मैं इसको ऐसे छोड़ दूं कि डस शी सिंग अ सॉन्ग, तो ये इनकम्प्लीट है. यहाँ पे क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क. फाइन, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, प्रश्न पूछ रही हूँ, डस शी सिंग अ सॉन्ग. फाइन, और डज लगेगा तो यहाँ पे एस नहीं आएगा. ये हमेशा हमें ध्यान रखना है कि वर्ब के साथ हम जब हमने यहाँ लगा दिया डू और डज, तो यहाँ पे एस और एस नहीं आएगा. ठीक है, क्योंकि कई बार हम बोलने में ये गलती कर देते हैं, डज शी सिंग्स अ सॉन्ग, क्योंकि हमने पॉजिटिव में सीखा होता है. फाइन, लेकिन हमें ये गलती नहीं करनी, हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है. बहुत ईजी रूल है और बहुत अच्छे से याद हो जाता है. डज शी सिंग अ सॉन्ग, तो क्या वह गाना गाती है? क्या तुम कार चलाते हो? क्या आएगा? क्या तुम कार चलाते हो? तो आप बताओ क्या आएगा? डज आएगा और डू इसके साथ आएगा. डू, क्योंकि मैं तुम्हारी बात कर रही हूं. डू यू, अब वर्ब क्या है इसमें? कार चलाना, ड्राइव अ कार.
अब अगर मैं ऐसे ही छोड़ दूं तो इट इज एन इनकम्प्लीट सेंटेंस, हम इसको कंप्लीट करेंगे और ये लग गया क्वेश्चन मार्क. डू यू ड्राइव अ कार? फाइन, इसको बहुत ध्यान से रखना है. बस सिंपल सा चीज हमें जो दिमाग में रखनी है वो डू और डज है, क्वेश्चन है, हमारी टोन है ऐसी, और हम लिखते वक्त क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखेंगे. और वर्ब के साथ जब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात कर रहे हैं तो एस और ईएस नहीं लगाना, क्योंकि हमने ऑलरेडी डू और डज यहाँ पे कर लिया है. और हमने ये सीख लिया है कि डू लगता है इनके साथ, आई वी यू दे, और डज लगता है ही शी इट के साथ. तो जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है उनके साथ एस और ईएस इंटेरोगेटिव के सेंटेंस में नहीं लगेगा. फाइन, अब मैं देखूँ, डू यू ड्राइव अ कार हो गया. जैसे मैं बोलूँ क्या वह, चलो हम थर्ड पर्सन का हमने सीख लिया है, क्या वे खेलते हैं, तो हम क्या करेंगे, वे, ना मेरा ना आपका, किसी और का, ज्यादा का, डू दे. हम ये बोल सकते हैं क्या वे रोज खेलते हैं, तो डू दे प्ले डेली. क्योंकि आप ये ना भूलें कि सिंपल प्रेजेंट क्या होता है, जो हम डेली रूटीन में रेगुलरली काम करते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं. सो डू दे प्ले डेली, क्या वे रोज खेलते हैं. ठीक है, तो ऐसे हमें ये ध्यान रखना है डू और डस का. और ये बहुत सिंपल रूल है और इसको आप अच्छे से एक बार वीडियो देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, और इसमें और कुछ भी नहीं है. इट इज वेरी सिंपल. फाइन, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है डस किसके साथ लगेगा, ही शी इट के साथ, और डू लगेगा आई वी यू दे इन सब के साथ. ठीक है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लोरल, सेकेंड पर्सन सिंगुलर प्लोरल एंड थर्ड पर्सन प्लोरल, इनके साथ क्या लगेगा, डू. ठीक है, तो अब हम अपनी इसको आप ध्यान से कर याद कर ले, और हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्या सीखेंगे, इंटेरोगेटिव नेगेटिव. जैसे कि मैं बोलूं कि क्या वह गाना नहीं गाती, क्या तुम कार नहीं चलाते, क्या वह रोज नहीं खेलते, तो हम इसमें सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि हमें नॉट का यूज़ कैसे करना है. जो रूल है, रूल नंबर 4, वो भी बहुत आसान है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. इस वीडियो को आप अच्छे से देख लें और इस रूल को याद कर लें, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में इंटरोगेटिव नेगेटिव को याद करेंगे, लर्न करेंगे. ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, बेल आइकन प्रेस कर लिया है, इसको आपने नहीं भूला है. एंड डू शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन, विद ऑल योर फ्रेंड्स, क्योंकि एक बहुत इंफॉर्मेटिव चीज़ है जो हमें आती है, बट जिसको आता भी है वो एक रिवाइज कर लेगा और हमें अच्छे से मेमोराइज हो जाएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे. सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फॉर योर टाइम. आपकी कोई क्वेरी है आप उसमें कॉमेंट्स में बताएं, कोई क्वेश्चन है मुझसे पूछे, डोंट हेजिटेट, आई एम ऑलवेज अवेलेबल. फाइन, थैंक यू, टेक केयर.